हेलो फ्रेंड्स, एसएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी, तो एसएससी जनरल ड्यूटी की वैकेंसी 40,000 प्लस वैकेंसी आई है। तो जैसे अपन इसमें बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, कब एग्ज़ाम होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या सिलेबस रहेगा इसका, कितना फिजिकल रहेगा, इसके बारे में पूरा जानकारी आगे बात करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो एसएससी की वैकेंसी है वो कितनी आई हुई है, तो 40,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि एसएससी जीडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपका फॉर्म कब से रीओपन होगा, तो इसमें दिया गया है 25 मार्च 2021। तो 25 मार्च 2021 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 10 मई 2020 तक फॉर्म भरेगा। तो आपको 10 मई तक का वेट नहीं करना है। जिस प्रकार एसएससी एमटीएस वालों का लास्ट में एक हफ्ते पहले से ही सर्वर डाउन हो गया था, जिससे हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स का फॉर्म नहीं डल पाया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको शुरू में ही फॉर्म भर देना है। तो इसका एग्जाम होगा 10 मई 2020 तक आपका फॉर्म लास्ट डेट होगा। इसके बाद 25 अगस्त 2020 से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। अगर बात करें एज लिमिट कितनी है, तो इसमें कितने एज वाले भर सकते हैं, तो एज लिमिट आपका 18 से 23 साल होता है। अगर आप 18 साल के हैं और 23 साल के अंदर हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है इसके लिए, तो आप अगर 10th पास हैं, 10वीं पास हैं आप, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आप मतलब किसी भी क्लास में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ध्यान न दीजिएगा, अगर आप फिजिकल फिट हैं तो आप भर दीजिए फॉर्म, क्योंकि इसका पेपर बहुत आसान होता है। सबसे ज़्यादा आसान पेपर इसी का होता है, एसएससी जीडी का। इसमें फिजिकल मेन होता है, तो आप अभी से, अगर अभी 7-8 महीने हैं, अगर आप फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आराम से फिजिकल निकाल सकते हैं, जिसकी सैलरी भी कहना चाहिए तो बहुत अच्छी सैलरी होती है, आपकी एमटीएस से भी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। तो आप इसमें ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिल कर देंगे, क्योंकि अभी तो ओपन नहीं हो रहा है इसका वेबसाइट। 25 से इन्होंने दिया है ऑफिशियल, मतलब इन्होंने 25 तारीख से दिया है कि 25 तारीख से ओपन होने लगेगा। और अगर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, तो एसएससी जीडी का सिंपल सिलेबस रहता है। एसएससी की तरफ से एग्ज़ाम होता है। अभी तक जो, अगर इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, तो अब शायद निगेटिव मार्किंग आ जाए इसमें, हो सकता है ना आए, लेकिन आपको इसके बारे में ध्यान नहीं देना है। तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, और रीजनिंग कितनी नंबर की पूछी जाएगी, तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। मैथामेटिक्स, जिसको आप एप्टीट्यूड कहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, वो भी पूछी जाएगी 25 नंबर 25 क्वेश्चन की। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप हिंदी और इंग्लिश में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल में ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ इंग्लिश का पेपर देते हैं, लेकिन आपको हिंदी माध्यम से है तो आप हिंदी का देंगे, इंग्लिश माध्यम से तो इंग्लिश में देंगे। तो अभी रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। टोटल आपका 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, आपको 90 मिनट में अटेम्प्ट करना रहेगा, तो आपको ध्यान देना है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि अगर जैसे आपका जनरल के लिए छूट, जैसे जनरल के लिए कोई छूट नहीं रहती एज रिलैक्सेशन, लेकिन आप और अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ छूट मिलेगी। इसके बात करते हैं कि इसमें मतलब वो क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, जैसे इसका फिजिकल टेस्ट क्या क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक फर्स्ट टेस्ट आपसे होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको कहते हैं सीबीटी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका सिंपल 100 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तो आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देना होगा। अगर आप इसमें डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होगा, कितना दौड़ होगा, क्या होगा, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसकी। इसके बाद होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसी के अंतर्गत आता है, जैसे मेडिकल चेस्ट टेस्ट। इसके बाद आता है मेडिकल टेस्ट, तो आपको मेडिकल टेस्ट। इसके बाद आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप अगर इन पूरे टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप किसी भी मतलब किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, आप अगर इस एज लिमिट के बीच में हैं और आप फिट हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, जिससे कट ऑफ भी कम बनती है, और आप नॉर्मल सा भी तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। तो अपन जीके या जीएस के डेली वीडियो देते हैं,
इन एग्जाम से संबंधित। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में डेली विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।